नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश के यमुना तट पर बसे आगरा शहर में लेके जाने वाले हैं। यदि दोस्तों आप आगरा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आगरा कैसे घूमना है, आगरा का खूबसूरत सा ताजमहल हमें कैसे एक्सप्लोर करना है, आगरा में हमें कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और आगरा में घूमने के लिए कौन कौन से साइट सीन है, साथ ही हमें रुकने की क्या बंदोबस्त रहेंगे और साथ ही हमें खाने की क्या बंदोबस्त रहेंगे आगरा में, साथ ही हमें आगरा कैसे पहुंचना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति का कुल खर्चा क्या रहता है आगरा यात्रा के दौरान। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, मैं आप सभी को एक एक करके सभी स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा कि आगरा में कैसे कैसे घूमना चाहिए। चलिए दोस्तों ज्यादा विलंब न करते हुए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले आगरा कैसे पहुंचा जाए। मैं आप सभी को आगरा पहुंचने के 3 मेजर ऑप्शन बताऊंगा, उन्हीं के द्वारा ही आप यहां पर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाई फ्लाइट। आगरा में ही आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने शहर से यहां पर बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। यदि आपके शहर से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो यहां के सबसे नजदीक ग्वालियर एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट से आगरा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। यदि दोस्तों आपके शहर से डायरेक्ट ग्वालियर के लिए भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली के IGI एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। IGI एयरपोर्ट से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी है आगरा सिटी की। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाई ट्रेन। बाई ट्रेन आपको यहां पर 2 स्टेशन देखने को मिल जाते हैं, एक यहां पर आगरा फोर्ट के नाम से रहेगा, दूसरा आपका आगरा कैंट के नाम से रहेगा। आप दोनों स्टेशनों पर आ सकते हैं, ट्रेनें आपको यहां पर बहुत सारी आने के लिए मिल जाएंगी। वहीं तीसरे ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों आप यहां पर बाई रोड आ सकते हैं। बाई रोड आप बाई बस बाई कार के द्वारा भी आ सकते हैं। वहीं बाई बस की बात करें तो रोड की कनेक्टिविटी आगरा सिटी की बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर दी गई है। आप अपने शहर से यहां पर आराम से बस के द्वारा आ सकते हैं। बात करें दिल्ली के ISBT बस अड्डे या फिर आनंद विहार बस अड्डे से आगरा के लिए बस अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्राइस की। यदि आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको 3200 रुपए से लेकर और 1100 रुपए तक की टिकट देखने को मिल जाती है बाई फ्लाइट। यदि आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो लगभग 130 रुपए से लेकर और 1100 रुपए तक की टिकट देखने को मिल जाती है ट्रेन की। वहीं बात करें बस की तो लगभग 170 रुपए के टिकट से लेकर और 550-600 रुपए तक का भी टिकट देखने को मिल जाता है बस का। ये सब आपको दिल्ली से चलने वाली सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाई कार। यदि आप अपनी बाई कार आ रहे हैं दिल्ली से तो आपको लगभग 210 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यदि दोस्तों आप पुराने फरीदाबाद आगरा रूट से आ रहे हैं तो आपको लगभग 330 रुपए का टोल आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप एक्सप्रेसवे की साइड से आ रहे हैं तो आपको लगभग 420 रुपए का टोल देखने को मिल जाता है इस रूट में। वही बात करें पेट्रोल CNG की तो आपको दोनों रूटों पर कोई भी CNG और पेट्रोल की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब हम आगरा पहुंच चुके हैं तो अब हमें जानना चाहिए कि हमें आगरा में कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ में होटल लेना चाहिए। उससे पहले हमें जानना है कि हमें आगरा में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। आप चाहे तो दोस्तों सेम डे ही आप ये पूरा आगरा घूमकर आप वापसी अपने शहर जा सकते हैं, यानी कि आप सुबह सुबह आ जाइए 6-7 बजे तक और 8 बजे करीब आप यहां पर घूमना स्टार्ट कर दीजिए और शाम तक तो घूमकर आपने वापसी अपने शहर निकल जाइए। यदि आप एक रात भी रुकना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा, उसमें आपको थोड़ा आराम मिल जाता है और सभी जगह घूम सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ रुकने। आगरा में ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर में ही सभी साइट सीन मौजूद है, तो आप लगभग आगरा ताजमहल से 2.5 किलोमीटर के अंदर में ही आप अपना होटल देख लीजिए। आपको यहाँ पर 500 रुपए से लेकर और 10-12-15 हजार रुपए तक भी रूम आपको आगरा सिटी में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप सब अपने सहूलियत के हिसाब से आप अपने रूम ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों खाने पीने की बात करें तो आपको जिस होटल में आप अपना रूम ले रहे हैं तो उसी में भी आपका खाना अवेलेबल हो जाएगा, या फिर उसके होटल के आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। आपको एक समय खाना 100 रुपए से 150 रुपए तक में आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आगरा में हमें कौन कौन सी जगह घूमना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आगरा के सबसे फेमस पॉइंट यानी कि ताजमहल के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल कैसे पहुंचे। यदि आप सेम डे आ रहे हैं रेल से, फ्लाइट से या बस से, तो आपको टैक्सी या ऑटो की फैसिलिटी वहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहीं बात करें टैक्सी की तो आपका 400 से 500 रुपए लेकर आपका ड्रॉप कर देगी ताजमहल की पार्किंग में, और बात करें ऑटो की तो लगभग 100 से 150 रुपए का चार्ज लेकर आपका ड्रॉप कर देगा ताजमहल की पार्किंग में। या दोस्तों आप अपनी बाइक कार भी आ रहे हैं तो आपको ताजमहल की पार्किंग तक आना होगा। जैसे हम पार्किंग पॉइंट पर होते हैं तो आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। वहीं आपसे 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा यहाँ पार्किंग चार्ज।
पार्किंग से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है ताजमहल की। पार्किंग से ही आपको बैटरी रिक्शा भी आपको अवेलेबल हो जाएगी और उसका चार्ज लेगा लगभग 20 रुपए का। और पार्किंग से ही आपको गाइड की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप गाइड करना चाहते हैं तो आपको लगभग केवल 200 रुपए ही आपको पे करने होंगे। साथ ही बात करें ताजमहल टिकट की तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। वही बात करें एंट्री टिकट प्राइस की तो इंडियन के लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे। वही बात करें फॉरनर के लिए तो लगभग 500 रुपए के करीब आपको पे करने होंगे एंट्री टिकट के। साथ ही टिकट लेने के बाद आप यहां पर एंटर करेंगे। एंटर के दौरान आप यहां पर पूरी चेकिंग करी जाएगी आपकी पॉकेट की सभी चीजों की आपकी चेकिंग करके के बाद ही आपको अंदर एंटर करने दिया जाएगा। यदि आपके पास में बैग या और किसी प्रकार का भी सामान है तो उसके लिए भी यहां पर लोकल की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। आप उसमें अपना सामान रख दीजिए और आते समय अपना सामान वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब टिकट चेक कराने के बाद में अब पहुंचते हैं ताजमहल के मेन प्रांगण में। यहां पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले आपको एक सेकेंडरी गेट देखने को मिलेगा जहां से आप ताजमहल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप इस गेट के अंदर से जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको सामने ही बहुत ही खूबसूरत ताजमहल दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दे जाएंगे और सामने ही दिखाई देगा दुनिया के सातवें अजूबे में एक ताजमहल। तो जैसे हम एंट्री से लेफ्ट की तरफ घूमते हैं तो दोस्तों हमें एक चित्रकारी प्रदर्शनी भी देखने को मिल जाती है। इसी में आप यहाँ पर भारत की बहुत ही प्राचीन काल के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ प्राचीन यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है। तो ये सब देखने के बाद दोस्तों पहुंच जाते हैं अपने ताजमहल के पास। जैसे हम ताजमहल के पास पहुंचते हैं तो आपको एक और एंट्री टिकट देखने को मिल जाती है। एंट्री टिकट आपके यहाँ पर 200 रुपए की रहेगी जो कि ऊपर मकबरे की टिकट होती है। एंट्री टिकट के साथ में आपको जूते के शू कवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यदि आप चाहे तो अलग से आप 10 रुपए में भी ले सकते हैं। यदि आप चाहे तो ताजमहल के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं यानी उसके कैंपस में घूमना चाहते हैं तो आपको ये टिकट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ताजमहल के पीछे की तरफ में आपको दोस्तों यमुना नदी देखने को मिल जाती है और यमुना नदी के उसमें मेहता बाग भी देखने को मिल जाएगा। तो ताजमहल घूमते घूमते आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि काफी बड़ा प्रांगण है तो आप इसे घूम सकते हैं आराम से और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो आप घूमते घूमते यहाँ को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी फोटोग्राफी कीजिए और फोटोग्राफी करने के बाद में आप घूमने के बाद में आप वापसी आ जाइए एग्जिट पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट से आप निकल जाइए अपनी पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी पकड़िए और अगले पॉइंट पर पहुंच जाइए आगरा फोर्ट की तरफ। ताजमहल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है आगरा फोर्ट की। यदि आप यहां से पैदल ही जाना चाहते हैं वो भी आप जा सकते हैं। यदि आप ई रिक्शा ऑटो के द्वारा भी आप यहां जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। ई रिक्शा या ऑटो का किराया लगभग 50 रुपए का रहेगा, उसके माध्यम से आप यहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे दोस्तों हम आगरा फोर्ट पहुंचते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग आपकी लगभग 100 रुपए की रहेगी। वहीं बात करें आगरा फोर्ट की एंट्री टिकट की तो आपकी 40 रुपए की रहेगी आगरा फोर्ट की एंट्री टिकट इंडियन की। वहीं बात करें फॉरनर की तो लगभग 400 रुपए की टिकट है फॉरनर टूरिस्ट की। और टिकट लेने के बाद ही हम घूमते हैं अंदर की तरफ। इसमें घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है तो आपको घूमने में इतना समय लग जाता है। जो उस समय के राजा यहाँ हुआ करते थे उन सभी का यहाँ पर सामान आपको इस फोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप उनके बारे में जानिए, उनके चीजों के बारे में जानिए और साथ ही अपनी फोटोग्राफी करते हुए आप यहाँ पर सब कुछ घूमने के बाद आप वापसी आ जाइए पार्किंग की तरफ। आप तो वहाँ से आप ये ऑटो रिक्शा या अपनी गाड़ी लेकर अगले पॉइंट पर पहुंचिए। अगला पॉइंट है दोस्तों एदमतोला। इसमें तोला को दोस्तों पहले मिनी ताजमहल बोला जाता था। जब ताजमहल का निर्माण नहीं हुआ था तो इसी को दोस्तों ताजमहल कहा जाता था। तो यहाँ पहुंचने के बाद में एक टिकट भी आपको लेनी होती है। साथ ही इंडियन की टिकट की बात करें तो 30 रुपए की इंडियन की टिकट रहेगी। फॉरनर की बात करें तो 250 रुपए की इंडियन की टिकट रहेगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर घूमिए, आप यहाँ पर फोटोग्राफी करिए। काफी खूबसूरत ही यह मिनी ताजमहल बनाया गया है तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करने के लिए जरूर आइए और एक बार यहाँ पर जरूर देखिए क्योंकि इसका बैक साइड है दोस्तों उसमें भी आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें इदमतोला पार्किंग की तो लगभग 50 रुपए की पार्किंग लगेगी यहाँ पर। और ये सब घूमने के बाद दोस्तों अब निकल जाइए अगले पॉइंट यानी कि मेहता बाग। ये मेहता बाग ताजमहल का बैकयार्ड एरिया है, पीछे की तरफ में ही आपको देखने मिल जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों लोग आते हैं यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करने के लिए, फोटोग्राफी शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ताजमहल का नजारा और भी खूबसूरत बन जाता है जब उसी के पास से देखने को मिलती है यमुना नदी। वहीं दोस्तों बात करें एंट्री टिकट की तो मेहताबाग की एंट्री टिकट लगभग 25 रुपए की रहेगी, और बात करें पार्किंग की तो 50 रुपए की पार्किंग रहेगी मेहताबाग की। तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ आगरा घूमने की। अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कुल बजट कितना आता है या घूमने का। कुल एक दिन पर्याप्त होता है दोस्तों आगरा घूमने के लिए, यदि आप सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं तो। वहीं यदि दोस्तों आप शाम के टाइम आते हैं तो आपको एक रात का स्टे लेकर आप नेक्स्ट डे आप पूरा घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब ये सभी स्थान घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा और उसका किराया क्या होगा। तो आप दोस्तों रेलवे स्टेशन आइए या फिर एयरपोर्ट आइए या फिर बस अड्डे आइए, आपको वहाँ से ऑटो लेना होगा यहाँ के 4-5 पॉइंट घूमने के लिए, और ऑटो आपके सभी पॉइंटों पर घुमाने के लिए 500 से 600 रुपए आपको ले लेगा। आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो आपसे वो इतने में मान जाएगा और वापसी ड्रॉप कर देगा आपका रेलवे स्टेशन तक। यदि आप कार लेकर घूमना चाहते हैं उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा दोस्तों, लगभग 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आपका चार्ज रहेगा कार वाला। तो ये था दोस्तों हमें कैसे घूमना है और किस प्रकार घूमना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति का यहाँ कितना खर्चा लग जाता है घूमने का। यदि आप दोस्तों एक नाइट का स्टे नहीं लेते हैं, सेम डे आप यहाँ पर घूम कर अब वापसी अपने रिटर्न जर्नी चले जाते हैं, तो इसमें दोस्तों लगभग 800 से 1000 रुपए का खर्चा आएगा। इसमें आपके दोस्तों मैंने एंट्री टिकट के खर्चे या आसपास घूमने के खर्चे और खाने पीने के खर्चे ही जोड़े हैं। इसमें मैंने आपके किसी भी प्रकार का ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट या बस की टिकट आपके सिटी से आने के लिए नहीं जोड़ी है। तो दोस्तों इसके अलावा आप यदि शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर पंछी पेटा लेकर अपने घर ले जाना चाहते हैं, वो कॉस्ट भी मैंने इसमें आपके लिए ऐड नहीं की है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आगरा घूमने की। मैंने इस वीडियो में आप सभी को आगरा घूमने की छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध करा दिया है। मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा, और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम।